जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज के इस खास और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको पहाड़ों की रानी मसूरी की सैर कराऊंगा, साथ ही साथ मसूरी टूर की संपूर्ण जानकारी भी बताऊंगा। अगर आप भी मसूरी घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। इस वीडियो में बात करेंगे आप मसूरी तक कैसे पहुंचेंगे, यहाँ पर आपको होटल कहाँ पर लेना चाहिए, मसूरी घूमने का सही तरीका क्या रहता है, मसूरी में आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, यहाँ पर खाने पीने की कैसी व्यवस्था है, और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे बजट की, कितने बजट में आप इस प्यारे से टूर को पूरा कर लेंगे। तो मसूरी टूर की ए टू जेड कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों आज मेरे साथ घूमिए मसूरी की खूबसूरत, शानदार और दिल को खुश कर देने वाली वादियों में। दोस्तों मसूरी बहुत ही प्यारा हिल स्टेशन है, पूरे साल लाखों टूरिस्ट यहां पर एंजॉय करने के लिए आते हैं। मसूरी में आपको टेंपल्स, गार्डन्स, वाटरफॉल, एडवेंचर एक्टिविटीज, प्यारे प्यारे सीनिक व्यूज और खुशनुमा मौसम के साथ साथ सब कुछ मिलेगा, तभी मसूरी टूरिस्ट की पहली पसंद रहता है। तो चलिए फिर एकदम शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं कि आप मसूरी तक कैसे पहुंचेंगे। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ट्रेन की। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आपको आना होगा देहरादून। देहरादून तक आपको हर प्रमुख स्टेशन से डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है। देहरादून से मसूरी की दूरी 33 किलोमीटर की रहती है। रेलवे स्टेशन के बाहर से आपको शेयरिंग टैक्सी मिल जाएंगी, जिसमें आपसे 100 से 120 रुपए का चार्ज करते हैं। वहीं आप अगर रिजर्व प्राइवेट टैक्सी करके जाना चाहते हैं तो इसमें वन साइड का आपसे 1200 से 1500 रुपए का चार्ज करते हैं। वहीं दोस्तों आप पूरे टूर के लिए भी गाड़ी बुक कर सकते हैं, इसमें आपसे 4000 से 5000 रुपए का चार्ज करते हैं। सभी प्लेसेस पे घुमाने और वन नाइट स्टे के बाद में वापस आपको यहीं पे ड्रॉप कर देते हैं। होटल्स और पार्किंग के चार्जेस आपको अलग से देने रहते हैं। वहीं मसूरी घूमने के लिए आप रेंटल बाइक या स्कूटी लेकर भी जा सकते हैं। स्टेशन से मात्र 100 मीटर की दूरी पर ही मेन मार्केट है, यहीं पर आपको बहुत से रेंटल बाइक की शॉप्स मिल जाएंगी। वीडियो में आप इनके नाम और नंबर देख सकते हैं। बाइक्स की रेट की बात करें तो 800 से 1000 में आपको बाइक मिल जाती है। वहीं स्कूटी आपको 600 रुपये पर डे के हिसाब से मिल जाएगी। पेट्रोल आपको खुद डलवाना रहेगा। 200 रुपए के पेट्रोल में आप पूरे मसूरी को बहुत ही आराम से घूम लेंगे। बाइक या स्कूटी लेने के लिए आपके पास में डीएल होना जरूरी है। और दोस्तों अगर आप बस के माध्यम से मसूरी तक जाना चाहते हैं तो रेलवे स्टेशन से मात्र 50 मीटर की दूरी पर ही पर्वतीय डिपो बस स्टैंड बना हुआ है। यहां से आपको हर 15 से 20 मिनट में मसूरी तक के लिए बस मिल जाती है। बस में आपसे 60 से 70 रुपए का चार्ज करते हैं। बस वाले मसूरी में आपको लाइब्रेरी चौक बस स्टैंड या पिक्चर हॉल बस स्टैंड के पास में उतारते हैं। दोस्तों आप पहले ही पूछ लीजिए, मेरे हिसाब से लाइब्रेरी चौक बस स्टैंड आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। वहीं अगर आपकी प्लानिंग बाय फ्लाइट आने की है तो आप देहरादून के जॉली ग्रांड एयरपोर्ट तक आने के बाद में बस या टैक्सी के माध्यम से मसूरी तक पहुँच सकते हैं। वहीं बहुत से लोग अपनी खुद की कार से भी इस टूर को कवर करते हैं। अगर आप अपनी कार से आना चाहते हैं तो यहां पर आपको बहुत सी जगह पर कार पार्किंग फैसिलिटीज भी मिल जाती है। जैसे ही आप मसूरी में एंट्री करते हैं यहीं पर मल्टीलेयर पार्किंग स्टैंड बना हुआ है। वहीं लाइब्रेरी चौक बस स्टैंड के पास में भी आपको पार्किंग स्टैंड मिल जाता है। या आप लाइब्रेरी चौक से 100 से 150 मीटर आगे बढ़ते हैं तो केम्पटी वाटरफॉल रोड पर मल्टीलेयर पार्किंग बनी हुई है, आप आराम से यहां पर अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। साथ ही मसूरी में मैक्सिमम होटल्स में आपको कार पार्किंग फैसिलिटीज भी मिलती है। दोस्तों देहरादून से मसूरी तक का रास्ता बहुत ही प्यारा है। पहाड़ों के चारों ओर घूमने और बहुत ही खूबसूरत और शानदार सफर पूरा करके अब हम लोग आ चुके हैं पहाड़ों की रानी मसूरी में। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं आपको होटल कहाँ पर लेना चाहिए। दोस्तों आप मॉल रोड पर होटल ले सकते हैं, यहाँ पर भी बहुत ही अच्छे होटल बने हुए हैं। या जब आप लाइब्रेरी चौक से केम्पटी वाटरफॉल रोड पर 50 मीटर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर भी बहुत ही अच्छे अच्छे होटल बने हुए हैं। यहाँ पर आप होटल विष्णु, होटल देव परिमल, होटल द्वापर और भी बहुत से होटल हैं, यहाँ पर रुक सकते हैं। मैं आपको एडवाइस करूँगा आप होटल द्वापर में रुक सकते हैं। इस होटल के सामने ही मल्टीलेयर पार्किंग भी बनी हुई है, साथ ही साथ इस होटल में भी आपको पार्किंग फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। दोस्तों मसूरी में होटल्स के रेट थोड़े से हाई रहते हैं। यहाँ पर होटल्स की रेट की बात करें तो यहाँ पर 1500 से होटल स्टार्ट हो जाते हैं। वहीं आप 5000, 10000, 15000 तक के बजट में बहुत ही अच्छा सा रूम ले सकते हैं।
और अब हम लोग जानते हैं कि आप मसूरी में कहाँ कहाँ घूम सकते हैं और यहाँ पर घूमने का सही तरीका क्या रहता है। दोस्तों, जब आप देहरादून से मसूरी आते हैं तो रास्ते में ही आपको चार प्लेसेस पड़ते हैं जहाँ पर आप घूमने जरूर जाइए। मैं आपको एडवाइस करूँगा, दो प्लेस आप आते समय कवर कर लें और दो प्लेसेस आप मसूरी से वापस जाते समय कवर कर सकते हैं। मसूरी आते टाइम रास्ते में ही बहुत ही प्यारा श्री प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर पड़ता है। ये मंदिर बहुत ही अद्भुत और भव्य शैली में बना हुआ है। यहाँ पर आप महादेव जी के अलौकिक दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही प्यारा और दिव्य स्थान है, आप यहाँ पर रुककर दर्शन जरूर करें। यहाँ से 12 किलोमीटर आगे जाने पर हम लोगों का अगला प्लेस पड़ता है भट्टा फॉल। यहाँ पर भी मैक्सिमम टूरिस्ट घूमने जरूर आते हैं। यहाँ से मसूरी के नज़ारे बेहद शानदार और खूबसूरत लगते हैं। भट्टा फॉल तक जाने के लिए आपको मेन रोड से नीचे जाना रहता है। आप यहां पर रोपवे से जा सकते हैं। अगर आपके पास में बाइक या स्कूटी है तो आप बाइक या स्कूटी से भी नीचे तक जा सकते हैं। रोपवे में राउंड ट्रिप के लिए ₹150 का टिकट लगता है। दोस्तों, यहां पर बहुत ही प्यारा नेचुरल वाटरफॉल है, आप यहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। वहीं पानी के बीचों बीच में बहुत से रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं, पानी के बीचों बीच बैठकर आप खाने पीने का मजा ले सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एडवेंचर पार्क भी बना हुआ है जहाँ पर आप बहुत सी एक्टिविटीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। आप यहाँ पर बोटिंग कर सकते हैं, स्विमिंग का मजा ले सकते हैं, साथ ही साथ आप यहाँ पर अपनी प्यारी प्यारी फोटोशूट जरूर कराइए। तो अब हम लोग चलेंगे मसूरी। जो हम लोगों के दो प्लेसेस बचे हैं वो वापसी के टाइम पर हम लोग कवर कर लेंगे। तो दोस्तों, हम लोग वीडियो के उसी पार्ट पर फिर से आ जाएंगे जहाँ पर हम लोग होटल ले चुके थे और अब हम लोग चलेंगे मसूरी के बहुत ही फेमस प्लेस कैंपटी वाटरफॉल में एंजॉय करने के लिए, जो मसूरी से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ तक आप शेयरिंग टैक्सी या बस से भी जा सकते हैं। वहीं आप अगर खुद की कार, स्कूटी या टैक्सी से आ रहे हैं तो कैंपटी वाटरफॉल एंट्री पॉइंट से पहले ही आपको बहुत से पार्किंग स्टैंड मिल जाएंगे जहाँ पर आप अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। दोस्तों, सामने ही आप एंट्री गेट देख सकते हैं, बहुत ही छोटा सा एंट्री पॉइंट है। यहीं से हम लोगों को नीचे की ओर चलना है। दोनों साइड मार्केट बनी हुई है। कुछ सीढ़ियां नीचे आने के बाद में सामने रोपवे पॉइंट बना हुआ है। दोस्तों, यहां से आप अगर रोपवे से जाना चाहते हैं तो ₹200 पर पर्सन का चार्ज देके आप नीचे तक जा सकते हैं। वहीं अगर आप 200 सीढ़ियां जाकर चढ़ाई कर सकते हैं तो आप सीढ़ियों से भी जा सकते हैं। तो रोपवे का प्यारा सा सफर पूरा करके अब हम लोग आ चुके हैं नीचे कैंपटी वाटरफॉल के पास में। यहाँ पर आप बहुत ही प्यारा सा वाटरफॉल देख सकते हैं जिसके नज़ारे आपका दिल खुश कर देंगे। आप यहाँ पर खुद को फोटो शूट करने से रोक नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, आप इस प्यारे से वाटरफॉल में नहाने का मजा जरूर लीजिए। अगर आपके पास में नहाने वाले कॉस्ट्यूम हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज आप वाटरफॉल के पास से ही नहाने के रेंट पर कॉस्ट्यूम भी ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पर चेंजिंग रूम भी बने हुए हैं। दोस्तों, कैंपटी फॉल के नज़ारे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं, तो आप इस प्लेस को एकदम भी मिस ना करें। दोस्तों, यहाँ से कुछ ही दूरी पर आप बहुत सी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप जिप लाइन का मजा ले सकते हैं, जाइंट स्विंग में इंजॉय कर सकते हैं, स्काई ड्राइविंग कर सकते हैं और भी बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं जिनको आप यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 से 2 घंटे इंजॉय करने के बाद में अब हम लोग फिर से मसूरी साइड वापस आ जाएंगे। मसूरी से कुछ ही किलोमीटर पहले कंपनी गार्डन के लिए रास्ता जाता है, तो अब हम लोग चलेंगे कंपनी गार्डन में एंजॉय करने के लिए। दोस्तों, कंपनी गार्डन जाते टाइम रास्ते में ही बहुत ही फेमस IAS ट्रेनिंग सेंटर भी बना हुआ है जो लबासना के नाम से फेमस है। दोस्तों, यहां पर हमारे ऑल इंडिया में सिलेक्टेड IAS लोगों की ट्रेनिंग होती है। तो चलिए, अब हम लोग पहुंच चुके हैं कंपनी गार्डन। दोस्तों, यहां पर ₹50 का एंट्री टिकट लगता है। पार्क के अंदर जैसे ही आप आते हैं सामने ही फव्वारा आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। पार्क के अंदर बहुत ही प्यारे प्यारे फूल और बहुत सी प्रजातियों के पेड़ और पौधे आपको देखने को मिल जाएंगे। पार्क के अंदर ही आप बोटिंग का भी मजा ले सकते हैं। यहाँ पर खाने पीने के लिए भी रेस्टोरेंट बने हुए हैं। साथ ही यहाँ पर वैक्स म्यूजियम भी बना हुआ है। अगर आप वैक्स स्टैचू देखना चाहते हैं तो आप वैक्स म्यूजियम में भी जा सकते हैं। 1 से 2 घंटा इंजॉय करने के बाद अब हम लोग वापस अपने होटल में आ जाएंगे, कुछ देर आराम करेंगे और अब हम लोग शाम को चलेंगे मसूरी की खूबसूरत मॉल रोड पर घूमने के लिए। दोस्तों, मसूरी की मॉल रोड लाइब्रेरी चौक और पिक्चर पैलेस बस स्टैंड को जोड़ती है जो लगभग 4 किलोमीटर लंबी है। शाम को लाइट्स में इस मॉल रोड की खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। पूरे ही मॉल रोड पर जगह जगह बैठने और खड़े होने के लिए व्यूज पॉइंट बने हुए हैं। आप यहां पर बैठकर मॉल रोड की खूबसूरती को बहुत ही प्यार से निहार सकते हैं। रात में यहां से देहरादून वैली के नज़ारे देखते ही बनते हैं। आप मॉल रोड पर मसूरी की बहुत ही फेमस कुल्लड़ कॉफ़ी
और मोमोज को जरूर ट्राई करें, इसका टेस्ट आपको बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। दोस्तों आप अगर इस मॉल रोड को पैदल नहीं कवर कर सकते हैं तो यहाँ पर चलने वाले रिक्शे पर भी आप बैठकर मॉल रोड को आराम से कवर कर लीजिए। तो यहाँ पर घूमने के बाद में अब हम लोग अपने होटल में आकर रात में आराम करेंगे और अगली सुबह हम लोग चलेंगे मसूरी के अगले फेमस प्लेस गन हिल पर। गन हिल का रास्ता मॉल रोड से होकर ही जाता है। गन हिल मसूरी की सबसे ऊपर चोटी पर बना बहुत ही बड़ा ओपन स्पेस है। यहाँ तक जाने के लिए आप रोप वे का सहारा ले सकते हैं। रोप वे में आपसे 200 रुपए राउंड ट्रिप का चार्ज लिया जाता है। वहीं आप अगर पैदल चढ़ाई करके जाना चाहते हैं तो 500 से 600 मीटर की चढ़ाई कर आप ऊपर तक पहुंच सकते हैं। गन हिल अपने सीनिक व्यू पॉइंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। आप यहाँ पर बर्फ से ढके हिमालय रेंज को बहुत ही अच्छे तरीके से देख सकते हैं। गन हिल पर बहुत से शॉप्स बनी हुई हैं जहां पर आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, साथ ही साथ आप यहां पर गेम्स को भी ट्राई कर सकते हैं। यहां पर खाने पीने के लिए भी बहुत ही प्यारे प्यारे रेस्टोरेंट बने हुए हैं, साथ ही साथ यहां से मसूरी के नज़ारे देखते ही बनते हैं। दोस्तों यहां पर शनिदेव और हनुमान जी का मंदिर भी स्थापित है, आप यहां पर दर्शन भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यहां पर माता रानी का भी मंदिर बना हुआ है, आप यहां पर भी जाकर माता रानी के दर्शन कर माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों 1 से 2 घंटे इंजॉय करने के बाद में अब हम लोग फिर से नीचे आ जाएंगे। इन प्लेसेस के अलावा आप जॉर्ज एवरेस्ट पर घूमने जा सकते हैं, ये भी प्लेस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर आप हेलीकॉप्टर राइड भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप लाल टिब्बा पर घूमने जा सकते हैं, ये मसूरी का बहुत ही फेमस सीनिक व्यू पॉइंट है। यहाँ से आप बहुत ही प्यारे प्यारे सीनिक व्यू देख सकते हैं। यहाँ से सनसेट के नज़ारे भी देखते ही बनते हैं। शाम को यहाँ पर सनसेट के नज़ारे देखने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ आती है। दोस्तों इन सभी प्लेसेस पे घूमने के बाद में अगर आप मसूरी में एक नाइट स्टे और करना चाहते हैं तो आप स्टे कर लीजिए, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग अब हम लोग देहरादून के लिए वापसी करेंगे। दोस्तों जब आप मसूरी से देहरादून के लिए वापसी करते हैं तो मसूरी से 6 किलोमीटर दूरी पर ही मसूरी लेक स्थित है। अब हम लोग यहाँ पर घूमने चलेंगे। यहाँ से नीचे की ओर आर्टिफिशियल लेक बनी हुई है। अभी इस प्लेस को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाया जा रहा है, आने वाले टाइम पर ये प्लेस और भी ज़्यादा खूबसूरत बन जाएगा। दोस्तों छोटी सी आर्टिफिशियल लेक बनी हुई है, यहाँ पर आप बोटिंग कर सकते हैं, साथ ही साथ बहुत सी शॉप्स हैं जहाँ पर आप खाना पीना भी कर सकते हैं। दोस्तों ये प्लेस अपने एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आप यहां पर जिपलाइन का मजा ले सकते हैं, स्काई ड्राइविंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, जाइंट स्विंग में मस्ती कर सकते हैं और भी बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं जो आप यहां पर एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों आप यहां पर पैराग्लाइडिंग का भी मजा ले सकते हैं। मेरी समझ से मसूरी में सिर्फ यही एक प्लेस है जहां पर आपको पैराग्लाइडिंग करने को मिलती है, तो आप यहां पर पैराग्लाइडिंग कर बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो यहां पर एंजॉय करने के बाद में अब हम लोग वापस देहरादून आ जाएंगे। रास्ते में ही देहरादून जो भी पड़ता है आप यहां पर भी एंजॉय कर सकते हैं। यहां पर आपसे 100 रुपए का एंट्री टिकट लगता है। दोस्तों इस जू में आप बहुत ही प्यारी प्यारी चिड़ियों को देख सकते हैं, साथ ही साथ यहां पर बहुत ही प्यारा एक्वेरियम भी बना हुआ है जहां पर आप बहुत ही प्यारी प्यारी मछलियों को देख सकते हैं जिसको देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। साथ ही साथ यहां पर रेप्टाइल्स हट भी है जहां पर आप बहुत सी वैरायटी के सांपों को देख सकते हैं। यहां पर आपको घूमकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा, तो आप यहां पर भी जरूर आइए। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं मसूरी आने का सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है। आप यहाँ पर दिसंबर, जनवरी, फरवरी में एंजॉय करने आ सकते हैं। इस टाइम पर आपको यहाँ पर स्नोफॉल देखने को मिल जाएगी। वहीं आप अगर गर्मियों की छुट्टी में आना चाहते हैं तो आप मई और जून में भी यहाँ पर एंजॉय करने आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं सबसे ज़रूरी क्वेश्चन, बजट की। कितने बजट में आप इस प्यारे से टूर को कवर कर लेंगे। दोस्तों मैं मान के चलता हूँ कि आप कम से कम 2 या 3 लोग तो यहाँ पर इंजॉय करने आएंगे ही आएंगे, क्योंकि 2 या 3 लोगों में आपका बजट डिवाइड हो जाता है। अगर आप मसूरी टाइम से आ जाते हैं तो पहले दिन कुछ प्लेसेस कवर करने के बाद में आप रात में स्टे करिए, फिर अगले दिन आप और भी सभी प्लेसेस को कवर करने के बाद में देहरादून के लिए वापसी कर सकते हैं। तो आप अगर 2 डेज और 1 नाइट का प्लान बनाते हैं, साथ ही साथ आप बस या स्कूटी से मसूरी को कवर करते हैं, तो आप मान के चलिए कि 4,000 से 4,500 के बजट में बहुत ही अच्छे तरीके से इस टूर को कवर कर लेंगे। वहीं आप अगर मसूरी को और भी अच्छे तरीके से कवर करना चाहते हैं तो आप 3 डेज और 2 नाइट का भी प्लान बना सकते हैं। अगर आप इतने दिनों का प्लान बनाते हैं तो आप मान के चलिए 5,000 से 6,000 पर पर्सन के बजट में बहुत ही अच्छे तरीके से मसूरी टूर को कवर कर लेंगे।
तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको मसूरी टूर से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी जानकारी को बहुत ही सही और अच्छे तरीके से बताने की पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी आपके कोई भी क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो अगर अभी तक आप अपने चैनल यात्रा मित्र से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक करें। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं किसी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने परिवार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपकी यात्रा सफल, सुगम और मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।